गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा दूसरी का पाठ 11 जन्माष्टमी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जन्माष्टमी, इस पाठ में जन्माष्टमी त्यौहार के बारे में बताया गया है कि वह क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। जन्माष्टमी हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। हिंदू लोग बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सदा भादो माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी यानी कि यह सदा भादो माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए थे। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ये जो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वह हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है और इस दिन हिंदू लोग बड़ी श्रद्धा भक्तिभाव के साथ व्रत रखते हैं। व्रत रखकर इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है वो हमेशा भादो माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। उन दिनों ब्रज में कंस का राज्य था। कंस रिश्ते में श्री कृष्ण का मामा लगता था। उसको ज्योतिषियों ने बतलाया था कि उसकी मृत्यु उसके भांजे के द्वारा होगी, इसलिए उसने अपनी बहन व बहनोई को जेल में बंद कर दिया। वहीं जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो बच्चों, इसमें बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में कैसे हुआ, बता कि उस समय कंस नाम का राजा था, तो उस समय उसी का राज्य चलता था, वो राज करता था। उस समय कंस रिश्ते में श्री कृष्ण का मामा लगता था। ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उसकी जो मृत्यु होगी वो उसके भांजे के द्वारा होगी। जैसे ही उसे ये पता चला तो उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में डलवा दिया और वहीं पर जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्रद्धालु दिन भर व्रत करते हैं और शाम को पूजा पाठ कर अर्धरात्रि के बाद भोजन करते हैं क्योंकि अर्धरात्रि के दिन जब भोजन शाम को पूजा पाठ करके अर्धरात्रि के बाद भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद ही वे अपना व्रत पूरा करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था। जन्माष्टमी के लिए कई दिन पहले से ही मंदिरों को सजाया जाता है। ऐसा बताया गया है कि जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो अर्धरात्रि यानी कि 12 बजे हुआ था, जो उसी समय श्रद्धालु लोग अपना व्रत तोड़कर भोजन करते हैं और इस दिन जन्माष्टमी के लिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले से ही मंदिरों को सजाया जाता है। जन्माष्टमी का जो त्यौहार है श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं कि वे पहले से ही मंदिरों को सजाना चालू कर देते हैं। इन दिनों मंदिरों में चहल पहल भीड़ रहती है, सभी श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आते हैं शहरों में जगह जगह पर कृष्ण लीला का आयोजन होता है। कि उसमें बताया जाता है श्री कृष्ण का बाल रूप और उनका बचपन किस तरह से बीता, उन्होंने अपने इस जीवन काल में कौन कौन सी क्रियाएं की, उनका जो पालन पोषण जो यशोदा माँ नंद बाबा ने कैसे किया, ये सब उन कृष्ण लीलाओं में दर्शाया जाता है। कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियाँ निकाली जाती हैं। उन्होंने जीवन में जो जो गतिविधियाँ जो जो क्रियाएँ की थी उससे संबंधित उन झांकियों में प्रकट किया जाता है। उन झांकियों में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी लीलाएँ रची थी। इस पर्व का बहुत महत्व होता है
लोगों के दिलों में भगवान के लिए भक्ति पैदा होती है, लोग मतलब सभी भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं और श्री कृष्ण को याद करते हैं, लोग बुरे कर्मों को त्याग करते हैं और अच्छे कर्मों को अपनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमने जितने भी बुरे कर्म किए हैं और उन्हें छोड़ दें और आगे ना करें और अच्छे कर्मों को अपनाने का प्रयास करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भगवान कृष्ण के जन्म से प्रेरणा लेकर लोग अपना जीवन सफल बनाते हैं। वे कोशिश करते हैं कि किस तरह जीवन में श्री कृष्ण ने अपने लीलाओं के द्वारा बुराई का त्याग, बुराई का विरोध करके अच्छाई का मार्ग दर्शाया था कि लोग अच्छाई के मार्ग पर चलें और बुरे कार्य को छोड़ दें। तो इस जन्माष्टमी पाठ में यही बताया गया है कि कोई भी इस पाठ में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। हमें कोई भी त्यौहार हो बड़ी ही मस्ती और उमंग देता है। केवल यही त्यौहार नहीं, जीवन में जैसे जितने भी हमारे त्यौहार हैं, होली, दीपावली, दशहरा, ये सभी हमें मस्ती और उमंग के साथ मनाना चाहिए।